बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी मैक्रोनीस विद चिकन एंड वेजिटेबल्स। बहुत ज़बरदस्त बनेंगी और बनाना भी बहुत आसान है। मैक्रोनीस बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैक्रोनीस का मैंने लिया है एक पैकेट, चिकन बोनलेस मैंने लिया है 1 kg, 2 tomato साइज़ की मैंने गाजर ली है, 2 ही शिमला मिर्च, 1/2 फूल मैंने लिया है बंद गोभी का, 1/2 कप चाहेंगे इसमें मटर, 1 teaspoon लहसुन पाउडर, 1.5 teaspoon नमक, 1.5 teaspoon काली मिर्च, टमाटो केचप थोड़ी सी डालेंगे, चिली गार्लिक सॉस, सिंपल चिली सॉस एंड सोया सॉस, ये सब चीज़ें जाएंगी। अब एक चूल्हे पे मैं रखने लगी हूँ पानी और दूसरे पे मैं रखूंगी एक कढ़ाई या खुले मुंह वाला बर्तन, कोई सा भी आप ले लें। इस बर्तन में मैं चिकन और वेजिटेबल्स को रेडी करूंगी और दूसरे में मैं पहले मैक्रोनीस को बॉईल कर लूंगी। पानी में मजीद शामिल करूंगी 1 tablespoon कुकिंग ऑयल और 1/2 teaspoon साल्ट। वेट करेंगे जब पानी को बॉयल आ जाए, उस वक्त इसमें मैंने मैक्रोनीस शामिल कर ली। कढ़ाई में मैंने डाला है 2.5 tablespoon ऑयल, ऑयल इसमें बहुत ज्यादा नहीं डालना। इसमें मैं आप शामिल करूंगी ये लहसुन पाउडर, आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप लहसुन के 2 से 3 जो है पीस के शामिल कर सकते हैं। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। एक से 2 मिनट तक इसको मैंने फ्राई करना है, बहुत ज्यादा इसको डार्क नहीं करना। अब मैं इसमें शामिल कर लूंगी साथ ही ये चिकन क्यूब्स, चिकन की कटिंग मैंने क्यूब फॉर्म में की हुई है और इसी शेप में मैं बाकी वेजिटेबल्स की भी कटिंग करूंगी। चिकन की जो भी भुनाई होगी इसी स्टेज पे होगी, इसलिए 10 मिनट तकरीबन लगेंगे इसका कलर चेंज होने में और अच्छे से भुनाई करने में। चिकन को मैंने 10 मिनट तक इस ऑयल और लहसुन के साथ भूनना है। जब तक इसकी भुनाई हो रही है मैं सब्जियों की कटिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले कैबेज को काट लूंगी। सब्जियों की कटिंग भी हो चुकी है और पानी को भी बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये मैक्रोनीस।
मैक्रोनी शामिल करके इसको ऐसे हिला लें आप एक दफ़ा। चिकन को भी 10 मिनट हो चुके हैं, देखें इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूंगी साथ ही मटर। मटर चूंकि बाकी वेजिटेबल्स की नस्बत थोड़े से हार्ड होते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं इसमें मटर ऐड करूंगी। साथ ही इसमें जाएगा नमक और काली मिर्च। ऐसे इसको मिक्स करें। पांच मिनट तक मटर के साथ इसकी भुनाई होगी। अब मैं इसमें शामिल करूंगी चिली सॉस 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस। चिकन की स्मेल बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसकी भुनाई भी अच्छे से हो गई है। वन टेबल स्पून इसमें ऐड करूंगी चिली गार्लिक सॉस। बस 2 मिनट तक इसके साथ इसको भूनूंगी और फिर मैं बाकी की सारी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दूंगी। 2 मिनट के बाद अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ सारी वेजिटेबल्स। अब इन सब चीजों को मिक्स करना है। माशाला से बहुत जबरदस्त ये रेडी हो रही है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको ओवर कुक नहीं मैंने करना, बस 1 मिनट के लिए इसको ऐसे आप मिक्स करते रहें। बिल्कुल ये रेडी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब मैक्रोनीस को देखेंगे, मैक्रोनीस भी अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब मैं इसको भी स्टेन कर लूंगी। अब इसमें मिक्स कर लेंगे ये स्टेन हुई हुई मैक्रोनीस। देखें माशाल्लाह से इसकी लुक भी बहुत जबरदस्त है और बहुत अच्छे से ये रेडी हो गई है। एंड में इसके ऊपर डालेंगे ये टमाटर केचप। माशाल्लाह से जबरदस्त सी ये चिकन वेज मैक्रोनीस रेडी हैं। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।